महिलाओं ने बंजर चौक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न को लेकर नारी शक्ति संगम ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। बंजर चौक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। महिलाओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षण में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहा कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं है, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट व महिला आयोग को हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन दिया गया है क्या कारण पर? जी, मातृशक्ति द्वारा ज्ञापन, हम जो महिलाओं के उत्पीड़न देख रहे हैं इसको रोकना है। महिला उत्पीड़न को जानने के उपरांत खुले रूप से विधायक वहां का जो क्या बयान दे रहा है, भारत के कानून और संविधान को तार तार कर रहा है कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ इसी प्रकार से दंड प्रावधान है। हम विषय को जात पात धर्म मजहब पार्टी ये दलदल से निकलकर हम इससे जिम्मेदार हैं कि महिलाओं के प्रति ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले रहा है, ना ही देश प्रदेश की चुनी हुई सरकार या विपक्ष के कमान संभालने वाले दल कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। एक महिला होने के नाते मैं इस देश की सभी महिलाओं से अपेक्षा करूंगी कि देश प्रदेश हमारे शहर गांव मोहल्ले की महिलाएं एकत्र होकर कठोर कार्रवाई ना करने तक कि नारी शक्ति के द्वारा आंदोलन ज्ञापन प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट महिला आयोग राज्य व केंद्र सरकारों को नींद से जगाया जाए।